वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बिहार के इस गांव में उस सुबह जो हुआ उसने गांव के सभी लोगों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। दरअसल यहां खुद माता दुर्गा अपने भक्तों को दर्शन देने तालाब से अवतरित हुई। जो असली मामला है उसे जानकर आपके मुंह से भी अपने आप जय माता दी निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों एक बार सच्चे दिल से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी, ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। बिहार के गांव फुलवारी में रहने वाले राकेश को जब माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया तो इसके पीछे की वजह जो है जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल राकेश माता का बहुत बड़ा भक्त है और माता के हर जगराते में वही माता के गाने और संगीत की व्यवस्था करता है और खुद भी उसमें शामिल हो जाता है। वैसे तो राकेश का पूरा जीवन यापन अपने छोटे से खेत पर ही निर्भर करता है, परंतु उसका एक सपना था कि वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में एक बार जरूर माथा टेक कर आए। उसके लिए 3 साल से वो लगातार अपनी आमदनी से कुछ पैसे जोड़ कर रख रहा था। इस साल तो उसके पास माता के दरबार में जाने लायक पैसे इकट्ठे होने ही वाले थे, लेकिन तभी उसके साथ एक विचित्र सी घटना घटी। दरअसल इस बार बारिश की एक बूंद भी धरती पर नहीं बरसी, जिस कारण राकेश की फसल की पैदावार इस बार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो पैसा उसने इकट्ठा किया था उसमें से कुछ पैसे अपने खर्चों के लिए उसे निकालने पड़े और अंदर ही अंदर वो बहुत रो रहा था। एक दिन तो उसने अपने घर के मंदिर में ही माता की मूर्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। राकेश रोते हुए बोलने लगा, माँ क्या मैं सच में आपके दरबार के काबिल नहीं हूँ? क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके दरबार में आऊँ? और बोला, ठीक है माता, अब मेरी भी हट है कि जब तक मैं आपको यहाँ देख नहीं लेता तब तक मैं अन्न का एक भी दाना नहीं खाऊंगा। और उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए और लगभग पूरा 1 हफ्ता वो ऐसे ही भूखा प्यासा रहा। एक दिन रात के समय उसके सपने में एक बहुत ही सुंदर देवी माँ आई और प्यार से बोली, मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। कल सुबह तुम अपने घर के बगल में जो तालाब है वहाँ जाना, वहीं मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। अगली सुबह वो उठकर जब अपने घर के पीछे वाले तालाब में गया तो हैरान रह गया। पानी में उसे कुछ बुलबुले उठते नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वहाँ से अपने आप ही माता की प्रतिमा निकली तो वो हैरान रह गया। खुशी के मारे जोर जोर से जय माता दी चिल्लाने लगा। उसे देख गाँव वाले सभी इकट्ठा हो गए और माता के इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। माता के दर्शन पाकर राकेश ने अपने हट को छोड़ा और अन्न ग्रहण किया और माता की इस प्रतिमा को वहीं गांव में एक भव्य मंदिर में स्थापित करवा दिया और सुबह शाम उनकी पूजा करने लगा। तो देखा दोस्तों आपने, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी अपने भक्त के लिए आना ही पड़ता है। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।